तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली बाबा का कुटिया ले लिए हैं। अरे हम लोग का बाबा का कुटिया है और इसके बाद अभी जाएंगे जगन्नाथपुरी घूमने। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बाबा जी का कुटिया। तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमारे बड़े भैया अंकित भाई है जो मजा ले रहे हैं पूरा एकदम रिसोर्ट का, है ना भैया। तो अभी हम लोग जस्ट जा रहे हैं फ्रेश होंगे और यही है यहाँ का हम लोग का कुटिया। अरे अंकित भाई है जो हम लोग का कुटिया देखने आए हैं। अरे तेरी भी जय जय, मेरी भी जय जय। ये अभी हम लोग के तावेल आ गया है और ये है लाइफ बॉय का छोटा सा साबुन। भाई दो को साबुन देना यार, दो है और एक यार मांग लो ने वो। और बाकी ये देखिए हम लोग एक छोटा सा कूलर दिया है और ये है पूरा रिसोर्ट का मजा। तो जाते हैं बस स्नान करते हैं और उसके बाद जाएंगे जगन्नाथपुरी। नहीं दोस्तों हम लोग बर्फ करने जा रहे हैं और उसके बाद बर्फ करेंगे। और देखिए है हम लोग को दिया गया एकदम फुल्ली नेचुरल वादियों में अभी आया हुआ है। देखिए फुल्ली नेचुरल वादी और हम लोग का रूम भी पहन के घूमा जाएगा। अरे अब लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल इसके हम लोग को रूम दिया है और इसका मजा लेंगे। अरे सामने छोटे से कूलर दे दिया है। तो जाते हैं ब्रश करके स्नान करते हैं उसके बाद दोस्तों हम लोग निहाल लिए हैं हो गया हूँ। अब हम जाएंगे पूरी जगन्नाथ मंदिर घूमने। फाइनली अब हम लोग जगन्नाथ मंदिर के लिए तैयार हो चुका हूँ। अब जाएंगे जगन्नाथ मंदिर और उसके बाद वहाँ के फुटेज आपको दिखाऊंगा। आ रहा है तो चलिए चलिए बस आ रहा है। संडे का काम करते हैं तो डाले देखिए आप बढ़िया से टिक्की डाला है। यही है रिसोर्ट अनन्या रिसोर्ट हुआ था अभी प्राइड अनन्या। बाकी मेहमान है ही ना 10,000-11,000 बाकी मेहमान वीआईपी रोड वीआईपी रोड यही वीआईपी देखने से आपको नहीं लग रहा है कि सबसे वीआईपी रोड यही है पूरी का देख रहे हो इतना तो हमारे जमाल रूट लगता है तो गलती से कोई भट्टाचार्य रूट चल गया था। ग्रीन ड्राइव हम लोग कब चालू हो जाएगा ना? हमको ऐसा ही टाउन ठीक लगता है ज्यादा बड़ा ज्यादा छोटा ठीक ठाक ठीक के लिए पटना भूल गए क्या? पटना आज ठीक हो गया। आज के डेट में गया बहुत जाम लग गया। कौन है आपको ठीक ये कौन सा लोकेशन है? ये ग्रैंड रोड है। ग्रैंड रोड उधर मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। अच्छा जगन्नाथ मंदिर पहले मंदिर ही चलेंगे हम। पहले मंदिर चलेंगे? हाँ पहले मंदिर। अरे वो तो टाइम नहीं होगा। है टाइम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? उधर मैंने 2-2.5 घंटे लगेगा आपको। इधर भी टाइम लग जाएगा आपका मंदिर में। क्या करें पहले उधर ही चले नहीं तो पहले मंदिर पहले मंदिर महाराज सामने देखिए रहा है जगन्नाथ मंदिर है। ग्रैंड रोड के सामने रहे ये पूरा ग्रैंड रोड है ना। बस जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर घूमने और जगन्नाथ मंदिर का ये देखिए
इसके बाद पांच यहाँ पे कोई भी कार वगैरह अलाव नहीं है, वो बस जा सकता है तो पर्सनल प्राइवेट कार जाता है, बाकी कमर्शियल इधर अलाव नहीं है। श्री चैतन्य गदियाना मठ है, चैतन्य मठ ग्रैंड रोड पूरी में। बस हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं पैदल। दोस्तों तो सबसे प्लस पॉइंट है कि हम लोग यहाँ पुरी में जगन्नाथ मंदिर घूमने आए तो ज़रूर है, बट यार अफसोस की बात है कि अंदर में मोबाइल वगैरह कुछ नहीं ले जाने का ऑर्डर है, तो आपको बाहर ही सारा चीज़ रखना होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर से कुछ सीन ले रहा हूँ, बाहर तक आ जा रहा है, बट अंदर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई चेकिंग, हाई सर्विलांस चाहिए हुए हैं। हम लोग अंदर से घूम के आ गया, मोबाइल हम लोग बाहर रख दिए थे, और मैं फिर से स्पेशल सिर्फ फुटेज देने आया हूँ कि बाहर से कैसा लगता है, और मैं आप सबको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए तो जगन्नाथपुरी मंदिर यही है, और अंदर तक के आपको अभी कहीं भी फोटो नहीं मिला होगा, क्योंकि मिला होता तो अब तक वायरल हो चुका होता। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर में आप सभी को स्वागत है, बट अफसोस है कि अंदर में आपका मोबाइल वगैरह कुछ नहीं जा सकता है, तो है आपको बाहर। दोस्तों मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ विशेष तो मैं आप सबको नहीं दिखा सकता हूँ, बस यही है कि बाहर से यही है। और यहाँ पे सबसे पहले आए और तीन वे में, तीन बाहर और चार अंदर एंट्री करने के बाद ही आप जगन्नाथ मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, जगन्नाथ बाबा का दर्शन कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है यहाँ पे। बस अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, जो था मैं बाहर से आप सबको दिखा दिया है। एंट्री करने के लिए सबसे पहले बांस वाले में अंदर जाना होगा, उसके बाद लाइन बाय लाइन सब का अंदर है। तो सोचे थे यार कि अंदर जा कर के मैं बहुत अच्छा से आप सभी को दिखाऊंगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, अंदर मोबाइल अलाउ ही नहीं है। अगर आप मोबाइल लिए हुए पकड़ा गए तो 5001 का फाइन है। सिंगल घूमे बहुत ही अच्छा है, और आज संडे है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, तो हम लोग अंदर गए, दर्शन किए बाबा का, जगन्नाथ बाबा का। और अभी जस्ट अब जा रहा हूँ, हम लोग का आगे में वैन लगा हुआ है, अब उसके बाद प्लान किया हूँ कि छिलका झील जाऊँ, करने का कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी तक मैं पहुँचाऊँगा। दोस्तों अभी हम लोग जस्ट जगन्नाथ मंदिर से निकल गए हैं, और अभी जा रहे हैं बस छिलका झील की ओर। और ये हमारे सारे मित्रगण हैं, इसके बाद छिलका झील का एंजॉय करेंगे। छोटा हो गया जो